हम बात करेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है यू मे सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तभी, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है, हमें पता है कि कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज वो स्ट्रॉन्ग मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से जाने जाते हैं और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं उनको वीक बोलते हैं चारों को। तो जो स्ट्रॉन्गर है उनको हम ज्यादा क्वेश्चन में यूज करते हैं, उनको पहले लिख लेंगे, फिर उनके थोड़े मीनिंग के साथ साथ उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, आपको पता ही होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, अगर आपको पता है भी तो लेट अस एंजॉय। तो ये है शल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके। तो चलो इनके बारे में आज सोच लेंगे। बाकी जितने भी चार हैं बचे हुए और यूज टू, डेयर, नीड, ऑट, उनके ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन इनके बनते हैं और हमें पता है कि ये बहुत बार यूज किए जाते हैं। तो इनके सवाल किस तरह से बनाते हैं हम लोग ना, तो चलो एक 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 करके देख लेंगे। इसमें से जो शल और विल ये जो है इनके बारे में पहले समझ लो, क्या इन दोनों भी को फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करते हैं, राइट नाउ। लेकिन क्या आपको पता है कि जो शल है उनको हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारे लिए, जिसमें भी आई और वी ये दो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके लिए हम शल भी यूज करते हैं, और जिसमें भी बाकी जो भी है सेकेंड और थर्ड पर्सन उनके लिए हम विल यूज करते हैं, यू विल, ही विल, शी विल, ये तो आपको पता ही है ना। लेकिन क्या आपको पता है इनको कभी कभी वॉइस वॉइस भी यूज करते हैं, मतलब आई के बाद में शल नहीं यूज करते, आई के बाद में विल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्यों करते हैं, तो उसके लिए किसी और एक वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे, ओके। तो अगर सेंटेंस है सपोज आई शुड वॉच दिस मूवी, कोई भी एक सेंटेंस है, वी डोंट मैटर व्हाट द सेंटेंस इज देयर, वी आर जस्ट वॉचिंग हाउ टू मेक द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग देयर। तो मैं ये मूवी वॉच करूंगा, है ना, भविष्य काल बता रहा है। तो इसका प्रश्न कैसे बनता है, शल को एक नंबर के आप ले आओ, बस जैसे आपने इसको ट्रांसफर कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो क्या प्रश्न बन गया, शल आई वॉच दिस मूवी, शल आई वॉच दिस मूवी, शल आई वॉच दिस मूवी, मतलब क्या मैं ये मूवी देखूंगा, है ना, इस तरह से। अगर विल का है तो उसी का भी वही होगा, शल की जगह पे विल रहेगा खाली, है ना, यू विल टेल मी द ट्रूथ, सपोज द सेंटेंस इज लाइक दिस, यू विल टेल मी द ट्रूथ, तो मुझे सच बताओगे, प्रश्न बनाना है, क्या तुम मुझे सच बताओगे कि नहीं बताओगे। अगर इससे कुछ तुम्हें पूछना है तो क्या करेंगे, विल को उठाओ, एक नंबर को ले आओ, जैसे आपने विल को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया फिर, Will you tell me the truth? क्या तुम मुझे से बताओगे, सच बताओगे? तो हाँ या ना वाला जो भी प्रश्न है, जिसे हम verbal questions कहते हैं, वे बनते इस तरह से, उनको just ले आओ उधर। तो shall हो गया, will हो गया, can के बारे में भी सोच सकते हो आप, no? Can तो आपको पता ही है ना, can क्या कहता है, ability बताता है ना कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं चोरों को पकड़ सकता हूँ, no? लेकिन आज नहीं, ये सब बात। तो चलो can का भी sentence में लिख लेंगे, क्या She can dance well. कोई basic sentence है, आप sentence की तरफ मत जाओ, sentence कितने भी लंबे चौड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। She can dance well का मतलब क्या हुआ, वह अच्छा डांस कर सकती है ना, can का मतलब क्या है, कर सकना, ability होना किसी चीज का, तो वह अच्छा डांस कर सकती है लेकिन आज नहीं करेगी, वो उसका मूड नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर सवाल पूछना है क्या वो अच्छा डांस कर सकती है, अगर कर सकती है तभी उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो क्या वे अच्छा डांस कर सकती है, तो बस कैन को उठा है, एक नंबर पे ले आए, क्वेश्चन मार्क दे, ना सभी का ऐसे ही करेंगे, बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए, और यही पे सब मार्क आते हैं कि एग्जैक्टली वी डोंट नो व्हाट द मीनिंग्स ऑफ देम, ना, एंड द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। तो आगे जाएंगे, अभी विल हो गया, कैन हो गया, वुड को देखेंगे, अभी वुड और कुड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम वुड कब यूज करते हैं, आपको इतनी बात तो पता होगी कि विल का पास्ट टेंस है वुड, ना,
लेकिन वुड को ना दो चार छोटे 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 फ्लेवर्स है और उनकी वजह से वो जो वुड है अच्छो अच्छो को वो डिस्टर्ब कर देता है, हिला देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप जब किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को विनती कर रहे हो, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो वहां पर भी ये वुड आ रहा है ना। तो वुड के मतलब अलग अलग से रहते हैं उनके मीनिंग्स, थोड़ा समझ लगे। सबसे पहली चीज तो ये पास्ट में है, तो इसका पास्ट में मीनिंग क्या रहेगा ना। तो पास्ट में मैं ये काम करता था बचपन में, मैं बोतलें बेचा करता था ना, जो भी कुछ करते थे आप बचपन में, लेकिन अब आप नहीं करते हो। वो पास्ट हैबिट जो भी है आपकी, वो अगर आपको बताना है तो आप वुड का यूज करते हो। तो वी वुड एंजॉय अ लॉट, अगर कोई सेंटेंस है वी वुड एंजॉय अ लॉट, हम बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत एंजॉय किया करते थे, लेकिन जिंदगी ने ऐसे मोड पे लाकर खड़ा कर लिया कि अब एंजॉयमेंट तो पूरा चला गया। तो लेट दैट बी, वी वुड एंजॉय अ लॉट, हम बहुत एंजॉय किया करते थे। अगर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या हम बहुत एंजॉय किया करते थे बचपन में, तो बस वुड को निकालो यहां पर, लास्ट में दे देना क्वेश्चन मार्क। योर क्वेश्चन विल बी लाइक वाइज, वुड वी एंजॉय अ लॉट, वुड वी एंजॉय अ लॉट। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट नहीं है, उसका मीनिंग समझना डिफिकल्ट है, इसलिए। तो वुड का और एक मीनिंग क्या होता है कि मैंने ये चीज की होती ना, या हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, तो ये जो है ना यही है, वुड ही है। तो समझ लो ठीक से कि अगर ये चीज की होती तो वो नहीं होती, वो नहीं चीज करी होती तो वो नहीं किया होता, ये किया होता ये नहीं किया होता, दैट वुड ओके के आई वुड गो देयर। तो उसका मतलब दो हुए इसके मतलब, एक तो क्या कि मैं जाता था, और सेकंडली क्या मैं गया होता उधर। अगर मैं जाता, अगर मुझे बुलाते तो मैं भी जाता उधर, है ना। तो ये बताने के लिए वुड का भी प्रयोग करते कि आई वुड टेल देम द ट्रुथ, मैं उनको सच बात बताता। आई वुड आस्क यू द क्वेश्चन, मैं तुम्हें सवाल पूछता, लेकिन मैंने नहीं पूछा, ठीक है। मैं पूछता था, आई वुड आस्क देम द क्वेश्चन, मैं उनको सवाल पूछता था, अब नहीं पूछता। तो ये जो है पास्ट टेंस में जो भी हैबिट होती है हमारी, हम जो भी चीजें करते थे पास्ट टेंस में, उनके लिए वुड का प्रयोग होता है। और जैसे उनको बाहर निकालेंगे, वुड ही गो देयर रेगुलरली, तो वो रेगुलरली वहां पे जाता था क्या, ऐसे वुड यू डू दिस, आप ये करोगे क्या, ऐसे होगा। मतलब विल का भी पास्ट टेंस है ना, तो वो सर्टेनिटी जो है कोई चीज करने की निश्चितता, ये भी वुड बताएगा आपको। कूड के बारे में, ठीक है ना, कूड क्या है, अब आपको ये भी पता है क्या कुड का, कुड किसका पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस है। कुड अगर कैन ये कहता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो कुड क्या कहेगा ना, कुड कहेगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं, कर सकता था, ये कुड कह रहा है। कर सका ये भी कुड ही कह रहा है, समझ लो ठीक से। हाँ सॉरी मैं तुम्हें कल फोन नहीं कर सका, कर नहीं सका ये भी कुड ही है। और मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, जैसे कर सकता था वो है, वो भी कुड ही है। I could not help you, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सका, समझ रहे हो। And I could not help you, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता था। Could have अलग है, could अलग है, उनके बारे में ज्यादा बार जानकारी बाकी किसी वीडियो में देखेंगे। आज हमारा काम क्या है, खाली क्वेश्चन समझ लो ठीक से कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो भी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं ना, हाँ या ना वाले क्वेश्चन देखते हैं, राइट, यस और नो वाले क्वेश्चन। तो आई कुड रन फास्ट, अगर इस तरह से कोई सेंटेंस, आई कुड रन फास्ट, मैं बहुत जोर से भाग सकता था, भाग सकता था लेकिन मैं भागा ही नहीं, ये तो भागा भी है कुछ भी हो सकेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ खाली, आई कुड रन फास्ट, मुझमें वो एबिलिटी थी। कैन कहता है कि अब है एबिलिटी, अब भी भाग सकता हूँ। कुड कहता है कि मैं पास्ट टेंस में भाग सकता था, उस टाइम मुझमें बहुत ताकत बहुत करती थी। तो ये जो भी है इसमें, ये कभी कभी परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी। अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाया, आपने पूछा कुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो आप पूछ रहे हो कि प्लीज क्या आप दरवाजा खोल सकोगे मेरे लिए, तो इस तरह से भी यूज करते हैं। तो ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, इनको थोड़ा थोड़ा डीपली समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इनके प्रश्न जब बनेंगे, तो कंफ्यूजन में आ रहे हो, तो इनके प्रश्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो पहले समझ लो ठीक से, है ना। उसको पहले थोड़ा थोड़ा उसका एक्चुअल एटलीस्ट प्राइमरी जो मीनिंग्स है उनके, वो भी हमें पता होनी चाहिए। उनको खाली बाहर निकालो, उनके प्रश्न बन जाएंगे। कैन हो गया, कुड भी हो गया, हमने देख लिया कुड को भी ना, तो मैं ये चीज कर सकता था और कर सकता। आगे जाएंगे अभी मे, माइट, मस्ट, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे।